यहाँ पे पहला सेंटेंस है आई लिव इन ए हाउस नियर द माउंटेन, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में? तो फ्रेंड आई का मतलब होता है मैं, और लिव इन ए हाउस मतलब घर में रहता हूँ, और नियर मतलब होता है पास में, और माउंटेन मतलब होता है पहाड़, और एस लगाया तो हो जाएगा पहाड़ों। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। मैं पहाड़ों के पास एक घर में रहता हूँ। तो आप लोगों को समझ में आया कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश से हिंदी। और आते हैं दूसरा सेंटेंस में, तो यहाँ पे लिखा है आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। तो फ्रेंड आई का मतलब होता है मैं, जान रहे हैं आप, और है मतलब होता है पास। तो चलिए इसको बनाते हैं, मेरे पास दो भाई और एक बहन है। चाहे ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे दो भाई और दो बहन हैं। अब आता है यहाँ पे एक और सेंटेंस, एंड आई वॉज बॉर्न लास्ट, और मैं बॉर्न मतलब होता है जन्म लिया हुआ, जन्म लेना, तो मैं बाद में जन्म लिया था, वाज है इसलिए यहाँ पे था लगा है। अब आता है एक और सेंटेंस, माई फादर टीच मैथमेटिक्स, मेरे पिताजी, मेरे फादर मतलब होता है मेरे पिताजी सॉरी, और टीच मतलब होता है पढ़ाना, और इसमें एस लगाए तो पढ़ते हैं, तो मेरे पिताजी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और एंड माय मदर इज ए नर्स एट ए बिग स्कूल, बिग हॉस्पिटल सॉरी। माय मदर, मेरी माँ एक बड़े से अस्पताल में नर्स है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।